मतलब दवाई दी थी मुझे, हमने जो है वेट भी किया था उसका, यूं हो गई थी मैं एक तरह से दीवार के सारे ऐसे बैठ गई थी। अब मैं यार करूँ तो क्या करूँ, मेरे को एकदम से ये लगा यार ये हुआ क्या, इसने किया क्या। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल विद अ न्यू अनदर वीडियो। तो लास्ट जो वीडियो था ना, प्रीवियस वीडियो, वो आप देख चुके हो। तो उसमें हमने बात करी थी हमारी, आई मीन सॉरी, बार बार मुझे ना हमारी हमारी आता है। तो उसमें मैंने बात की थी मेरी यानी माई सेल्फ जो है प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में, मैंने आपसे बात करी थी कि क्या। तो चलो प्रेगनेंसी की बात ही, जैसे तैसे बेबी कंसीव हो गया, भगवान की मर्जी से जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। और उस टाइम में खुश थी और आज भी मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर के। अब बात हम आगे करते हैं प्रेगनेंसी के बाद भी कि किस तरीके से हमें आगे की जो 9 महीने होते हैं ना, वो मैंने कैसे निकाले और क्या क्या मुझे यहाँ पे सामना करना पड़ा था, क्या क्या मैंने फेस किया था। चलो जैसे तैसे कंसीव हुआ, उसके बाद में सब कुछ नॉर्मल रहा था, मेरे को कभी ना ऐसे फील नहीं हुआ कि आई एम प्रेगनेंट। मतलब पता था कि प्रेगनेंट हूँ, बट ना होता है ना कि बहुत लोगों को एसिडिटी वगैरह, कभी वोमिटिंग, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो मेरे साथ में वोमिटिंग वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी, 1% भी नहीं थी। हाँ ये थी कभी कभार जैसे जी हो जाता है ना वोमिट वगैरह होने का, तो वो चीज़ बाय द वे हो भी जाती थी ना, बट वोमिट नहीं होती थी, सिर्फ जी में चलाता था ना, तो उसको वो जो मतलब कंट्रोल हो जाता था। और एसिडिटी वगैरह ये तो कभी कभार जो है होती रहती, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। इसके अलावा थिकनेस वगैरह और जो वोमिटिंग होती थी, वोमिटिंग की भी मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई। और मेरा मतलब शुरू के कुछ मंथ में तो ना मैं ऐसी रहती, नॉर्मल ही रहती, एकदम झक्कास रहती, खाती पीती आराम से, टाइम से सारा जो है घर का करती थी। मुझे कभी इतनी ज़्यादा थिकनेस वगैरह ये ना हुई नहीं। तो मेरा 6 से 7 तक ना मेरा ऐसा ही निकल गया था बिल्कुल नॉर्मल। एंड जब 7th मंथ स्टार्ट हुआ, 8th मंथ स्टार्ट हुआ खासकर, यानी कि शुरू के तो जो ट्राइमेस्टर होते हैं ना वो मेरे निकल चुके थे नॉर्मली। उसके बाद में 7th में भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ, बट 8th मंथ जो होता है ना, 8th मंथ के लास्ट में जा कर के, 8th एंड 9th मंथ वो वाली पोजीशन होती है जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी अगर बैठ गई, खड़े होने में प्रॉब्लम होती है, खड़ी हो गई तो बैठने में मतलब सोने में प्रॉब्लम होती है उसको, तो वो वाली सिचुएशन जो है ना पैदा हो जाती है। वही मेरे साथ हुई थी। 8th मंथ था जब लास्ट टाइम था ना, उस टाइम में क्या होता था, बेबी बम्प जो होता है ना पूरा मतलब सो होता है पूरा अच्छे से, जो बेबी होता है ना वो अच्छे से जो है मैच्योर मतलब बन जाता है पूरा, तो इस वजह से बेबी बम्प पूरा जो है दिखाई देता है। तो भाई डबल लोड हो जाता है, एक खुद का शरीर एक बच्चे का शरीर, तो पूरा दोनों को मैनेज करना आप समझ सकते हो कैसे होता है। मेरे साथ मतलब क्या होता था, तो मैं बैठ जाती थी ना तो मेरे को खड़े होने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी। मैं जैसे कोहनी अड़ा के ना, कोहनी है ना इसको मैं ऐसे बेड पे अड़ाती थी और कोहनी के सारे फिर मैं ना खड़े होती थी, तो ये सीन क्रिएट होता था उस टाइम में। तो उस टाइम में ये भी होता है कि जब बाबू होता है ना, बेबी होता है ना, टमी के अंदर कभी लात मार रहा है, कभी हाथ मार रहा है, कभी पैर मार रहा है, कभी मुट्ठियाँ मार रहा है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़ ना वो करता रहता है। तो जिससे पेट पता है क्या होता है, कभी ऊंचा इधर से, कभी इधर से ऊंचा, कभी इधर से नीचा, कभी इधर से नीचा, तो सारी एक्टिविटीज़ जो है ना हमको महसूस होने लगती हैं। उसके साथ साथ में जैसे ना हम लोग चाहते हैं ना कि जल्दी से बस फ्री हो, डिलीवरी हो जाए, बाबू बाहर आ जाए, हमसे ज़्यादा एक्साइटमेंट में ना मतलब इसको ऐसा एक्साइटमेंट समझ लो या फिर कुछ भी समझ लो, हमसे ज़्यादा ना बेबी भी यही चाहता है कि मैं कब ना मतलब बाहर जाऊँ। तो जब डिलीवरी टाइम होता है ना, कहते ना कि मतलब माँ को भी, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको भी थोड़ा सा मतलब अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। तो यही नहीं होता कि सिर्फ माँ ही कोशिश करती है, बल्कि साथ में जो बेबी होता है ना वो भी साथ में कोशिश करता है, बताते यही हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी में अक्सर यही होता है। बाकी की रही सी सेक्शन सीजेरियन, उसके अंदर तो बस जब प्रॉब्लम जो मतलब कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल होती है ना, उस टाइम में जो है ऑपरेशन की जो है आती है दिक्कत। तो कोई नहीं, वहाँ तक अगर सब कुछ सही रहता है ना, बॉडी मेंटेन वगैरह, हीमोग्लोबिन वगैरह सब कुछ सही रहता है ना, तो नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो सकती है। तो मेरे साथ में यही था, 8वें और 9वें महीने के अंदर मेरे को ऐसा होता था। एक दिन तो पता है क्या हुआ था, एक दिन में थाली मैंने अपनी लगा ली थी खाने की, आराम से बैठी कमरे में गई अपने में, थाली लगा के बैठी,
मेरी पूरी की पूरी थाली रखी रह गई, इसने ऐसी किक मारी मेरे बाबू ने, हाय रे तोबा तोबा, ऐसी किक मारी कि मैं तो बैठी के बैठी ही रह गई, ना तो मेरे को इधर खिसका गया ना मेरे को इधर खिसका गया, मतलब यूं हो गई थी मैं एक तरह से दीवार के सारे ऐसे बैठ गई थी। अब मैं यार करूँ तो क्या करूँ, मेरे को एकदम से ये लगा यार ये हुआ क्या, इसने किया क्या, मेरे तो ऐसे धक्का सा मार दिया, पेट के अंदर ऐसे लात मार दी। तो मेरे को फिर ना एक कहावत याद आ जाती है कि ये तो चलो बेबी था कोई, इसका ना इससे कोई कहावत से कोई कांटेक्ट है नहीं, तो कहते ना कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो कहते ना कि जब बच्चा पेट में लात मारा है तो आगे जाके क्या करेगा, तो ये सिर्फ एक मतलब कहावत है एक हंसी के लिए, तो इसका ना बच्चे से मतलब पेट में कोई इससे मतलब है नहीं, क्योंकि बाबू एक्टिविटीज़ करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो ऐसे ही हुआ था उस दिन, मेरी पूरी थाली ना जो ये भरी गई, इसको हुआ है ना जो प्रेग्नेंट लेडी वो बस समझ सकती है यहाँ पे किस तरीके का होता है। फिर उसके बाद में कुछ नहीं, उसके बाद में वो थोड़ी देर रहा था और वो फिर सब कुछ जो है नॉर्मल हो गया। तो इस टाइम में ना ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि बेबी जो है लात घूसे मारता है, क्योंकि वो मूवमेंट करता है बाहर आने के लिए, मतलब जैसे जैसे टाइम पास आता है ना डिलीवरी का वैसे वैसे वो एक्टिविटीज़ की बढ़ने लगती हैं, और उस टाइम का जो सीन होता है ना पेट ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा, वो सच में देखने लायक होता है। मेरे साथ उस दिन ऐसा हुआ था। तो फिर 9 मंथ वगैरह हो गया, फिर ओवर हो गया, 9 मंथ पूरा हो गया, जो डेट दी थी डॉक्टर ने कंप्लीट हो चुकी थी, बट उसके बाद मैं भी मेरे को ऐसा कोई पेन मतलब जो लेबर पेन होता है ना वो महसूस हुआ ही नहीं। तो वो वाला जो पेन जो एक होना चाहिए एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए होना चाहिए, तो वो वाला पेन मेरे को बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर 9 मंथ का जो डेट दी थी ना उससे 4 दिन ऊपर हो गए थे, हमने वेट किया था, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन या 4 दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मेरे को भी फिर ना थोड़ा सा लगने लगा था कि यार चलो कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से, मैंने फिर मम्मी और इनको बोला था, फिर बोले मतलब सब यही सोचते ना कि अभी पेन वगैरह नहीं है तो अभी और वेट करते हैं, बट मैं कहा मम्मी 4 दिन मतलब 3-4 दिन डॉक्टर की डेट के अकॉर्डिंग जो है ऊपर हो जाते हैं, तो थोड़ी टेंशन भी हो जाती है खासकर बच्चे की ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से जैसे तैसे करके हम लोग यहाँ से निकल गए, सबसे पहले गए प्राइवेट हॉस्पिटल था उस टाइम में, तो वहाँ भी ऐसे ही मतलब इकट्ठा मतलब सब लोग जा कर के इकट्ठे वहाँ पे, फिर स्लिप वगैरह लेने में टाइम तो लगता ही है, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम कुछ थोड़ी जानकारी वगैरह होती है, तो उससे जैसे तैसे करके फिर सोनोग्राफी दी थी उसने डॉक्टर ने, उसमें हो गया। तो एक बार तो वो भी वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़ सा हो गया था कि यार टाइमिंग क्या है इसकी, तो जैसे जैसे करके फिर मेरे को डायरेक्ट डॉक्टर के पास मतलब सोनोग्राफी के लिए भेजा गया, वो काम भी सारे हो गए। फिर 4 दिन ऊपर हो गए थे ना, तो इस वजह से उस टाइम डॉक्टर ने बोल दिया था कि हॉस्पिटल मतलब ऐसे ले जाओ, अगर नॉर्मल होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सी-सेक्शन तो है ही। तो हम लोग इधर ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते थे, क्योंकि डॉक्टर जब बोल देते हैं ना तो हम लोग फिर ज़्यादा जो है रिस्क नहीं लिए, हम लोग सीधा हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, उसमें भी हमें थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि गवर्नमेंट का आप सीन ना समझ सकते हो कि किस तरीके का होता है। लेकिन मैं यार एक बात बोलना चाहूँगी कि बस हालांकि इतना बेकार भी नहीं था बट ठीक था, बट ना जो थोड़ा बहुत बिहेव होता है ना कभी कभार, सारे टाइम में तो खैर नहीं होता बट थोड़ा बहुत जो होता है ना तो वो थोड़ा रूडली सा ना वो अच्छा नहीं लगता। वैसे सारे मैं ये नहीं कह रही कि सारे डॉक्टर से सारे नर्सेज जो हैं एक जैसे रहते हैं, बट कोई कोई जो होता है ना और तो इससे थोड़ा लगता है। लेकिन मैं बस यही चाहूँगी यार कि यार डिलीवरी तो ना बस सरकारी में नहीं हो, बस जैसे तैसे में ही होनी चाहिए, थोड़ा सा ना देख रेख मतलब अच्छी हो जाती है एक तरह से, प्राइवेट का मतलब प्राइवेट ही होता है आप समझ सकते हो कि हर चीज़ जो है ना उसके हिसाब से हो जाती है। तो कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम फिर हमें वहाँ पे लग गया हॉस्पिटल जाने में, स्लिप वगैरह लगाने में, हम लोग घर से गए थे, हम 3-4 लोग गए थे तो वहाँ पे टाइम लग गया। अब मैं जैसे ही ना मतलब रिपोर्ट्स वगैरह सारे कलेक्ट करने के बाद में ले जाते ना डिलीवरी रूम में, मतलब डिलीवरी रूम नहीं था वो शायद, हाँ डिलीवरी रूम ही था, तो उसके अंदर क्या करते हैं कि पेन नहीं होते ना तो मेडिसिन वगैरह फिर दवाई वगैरह देते हैं, और वहाँ तो भाई मैंने ऐसा सीन देख लिया, यानी कि वो चीज़ नेचुरल थी, वो सबके साथ ही होती है नॉर्मल डिलीवरी में, बट मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मेरे को उसको देख के सच में मेरा माथा जो है पूरा घूम गया रहा यार उस लेडीज़ को देख के। उस टाइम वो डिलीवर हो रही थी, वो लेडीज़ मतलब उसके बच्चा जो है
हो रहा था, उसके बेबी हो रहा था, तो डिलीवरी टाइम में थी वो, उसको पेन हो रहे थे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाले, इतने ख़तरनाक वाले कि उसको देख के मैं तो सच में घायल ही हो जाती है, बस बच गई। मैं सोची यार भगवान कैसे बेचारी की उसको फ्री करते, सारी लेडीजें ऐसे ही कर रही थी, वो कोई खड़े होके किसी को खड़े होके हो रहे थे तो कोई लेट के, कोई वहाँ से नॉर्मल डिलीवरी की जो सीट होती है ना वो आप जानते हो कि किस तरीके की होती है। तो जैसे तैसे करके मैंने उनको देखा, यार अंदर एंट्री करेंगे रूम में तो सब कुछ देखते ही हैं, तो मैंने उसको देख लिया, तो मेरे को और ज़्यादा ना हार्ट बीट मेरी है ना थोड़ी ऐसी हो गई थी, यार ये कैसे मैनेज करेगी लेडीज़ बेचारी, मैं भी इसी काम के लिए आई हूँ तो मैं कैसे मैनेज करूँगी। मेरा तो भाई माथा घूम गया, मेरा दिमाग ख़राब यार, बस उस टाइम ऐसे था कि कैसे भी करके बेचारी वो जो भी लेडीज़ थी वो फ्री हो जाएं, और बारी आ रही है यहाँ पे मेरी, अब मैं कैसे करूँगी, मैं क्या करूँगी। तो उस टाइम तो ना थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ती, मम्मी थी साथ में, मेरी सासू माँ वो थी उस टाइम मेरे साथ में, तो मैं गया क्या करूँगी, एक तरफ डर भी लगता है, एक तरफ थोड़ा सा ऐसा लगता है, फील होता है, तो एक ना एक जो भी होता है ना फैमिली मेम्बर घर में से जो है साथ में होना ही चाहिए डिलीवरी रूम में, तो थोड़ी क्या है कि पेशेंट की थोड़ी हिम्मत जो है ना बनी रहती है, तो इस वजह से वहाँ पे मम्मी थी मेरे साथ में। फिर क्या हुआ, पेन तो मुझे थे ही नहीं, तो उन्होंने क्या हुआ मेडिसिन मतलब दवाई दी थी मुझे, हमने जो है वेट भी किया था उसका, बट समथिंग शायद 8 बज गए थे, उसका कोई खास असर नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा होने लगता था, लेकिन रियल जो पेन होते ना लेबर पेन वो आने ही नहीं लगे थे, हल्का सा फील हुआ, मम्मी को भी लगा शायद चलो हो सकता है, लेकिन क्या था कि टाइम जो है ओवर हो चुका था, मेरा 4 दिन ऊपर हो चुके थे, तो ये बात डॉक्टर ने पहले बोल दी थी अगर पेन होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सी-सेक्शन कंपलसरी है। तो जैसे तैसे करके ना फिर जो है दे दी उन्होंने मुझे, और मेडिसिन लेने के बाद में वेट किया, और वेट करने के बाद में फिर जो सीन था ना वो सीन था, बस था मुझे पता है उस टाइम का, या डॉक्टर को पता है वो क्या था, तो वो सीन वो स्टोरी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, अगर आप जानना चाहते हो इंटरेस्टेड हो तो नेक्स्ट पार्ट में देखना ज़रूर, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हो, ये है सेकंड पार्ट, तो आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, इसके लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। तो मैं यहाँ पे ये वीडियो करूँगी यहाँ पे एंड, नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी इसका कि दवाई लेने के बाद में क्या हुआ, उसका असर होता है नहीं होता है अच्छे से, या फिर नॉर्मल हुआ, या सी सेक्शन क्या हुआ, जो भी हुआ वो आपके साथ में शेयर करूँगी। लेकिन इससे पहले वीडियो पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड एक लाइक एंड शेयर तो गाइस बनता ही है। तो बस मैं गॉड से ये प्रे करती हूँ कि भगवान हर किसी लेडीज़ के साथ में ये होता है, बस उन्हें थोड़ी ना हिम्मत दे दिया करो प्लीज़, वैसे हिम्मत भगवान ही देते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात है नहीं, तो थैंक गॉड एंड बाय बाय।